हाय फ्रेंड्स, मैं बलवंत मीणा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्नेक लवर बीके में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक कॉमन क्रेट रेस्क्यू किया है, लेकिन उससे पहले हम सभी, हमारी जो फैमिली है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे फ्रेंड है, जो हमारी केयर करते हैं, उन लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको 15 अगस्त की हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं। और जिस प्रकार आपने, मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि हमने कॉमन क्रेट को रेस्क्यू किया है और उसके बारे में जानकारी दी है कि वो कितना जहरीला होता है, वो कितना घातक हो सकता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को देखिए अंत तक। अगर आपको पसंद आती है तो हमें लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अभी जो शॉप से जो तिरंगे झंडे जो खरीदे जाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैरों में नहीं आने चाहिए वो किसी भी हालत में, क्योंकि वो हमारा सम्मान है, उनको पैरों में आने से बचाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं तिरंगा झंडा दिखता है तो उसको उठाएं और सम्मानजनक किसी जगह पर उसको व्यवस्थित रख लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हमारे वीडियो में बने रहिए। तो हम आपको एक ऐसे स्नेक से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, खासकर रात में निकलता है, लेकिन आज पता नहीं किसी कारण दिन में घुस गया इनके घर में। तो हम यहाँ हैं इसको रेस्क्यू करने, यहाँ से आपको रेस्क्यू करके दिखाते हैं। और आप हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये दिया हो भैया, तो बुलाओ। कॉल किधर है डब्बा? कॉल के पास वो दिखा रहे हैं। पता खा दे दे, मुड़ दीजिए, मुड़ दीजिए, मुड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको रेस्क्यू कर लिया है। मेरे सामने काफ़ी मुश्किल टास्क था, मैंने कुछ स्टिक हुक वगैरह कुछ लाया नहीं था साथ में, और मैं किसी काम से जा रहा था और मुझे अचानक कॉल आ गया, तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ गया। तो मैंने इनको बताया भी है स्नेक के बारे में कि ज़्यादा हाई प्रोटीन इसमें वेनम मिलता है, जो कि एक बाइट से किसी की भी जान जा सकती है। दोस्तों, ऐसे अगर सांप दिखे आपको तो उनसे दूर रहिए, या फिर मैंने जैसे कि अपने वीडियो में बताया है कि एक बार डेटॉल या फिर किसी फिनॉल इसे केमिकल से पोछा मार दिया करो दिन में, जिससे इसकी स्मेल से ये सांप घर में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको रिलीज़ करने जाएंगे और बाकी की जानकारी आपको वही देंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मैंने जो सादुलपुरा एरिया से वहाँ पर एक कॉमन क्रेट स्नेक जो कॉल आया मेरे पास, मैं वहाँ गया और जल्दबाजी में मैं स्टिक या हुक कुछ ले भी नहीं जा सका और मैंने उस स्नेक को रेस्क्यू किया। अब वो कंफर्म नहीं हो पाया, मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि वो स्नेक रात में ही घुसा था उनके घर में या फिर दिन में देखा गया, तो वो लोग बता रहे हैं कि दिन में देखा गया। लेकिन हालांकि ये स्नेक लेट लाइन मूवमेंट करता है, जिस प्रकार अब हिंदी में कहे तो रात को ही निकलने वाला सांप है ये, और इसका जो वेनम होता है वो काफ़ी हाई मात्रा में होता है, उतना न्यूरोटॉक्सिन है लेकिन काफ़ी हाई मात्रा में होता है, जिसकी बाइट से 90% लोगों की जान जाती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अस्पताल जाए तो बच सकती है। मैंने जिस प्रकार आपको अपने पहले वीडियो में बताया भी है, कॉमन क्रेट के बारे में जिक्र भी किया है, ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, राजस्थान या फिर इंडिया के चार सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि ये सांप किस प्रकार से दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में। वहाँ से चपटा होता है, वाइपर स्नेक होते हैं वो भी चपटे होते हैं, लेकिन ये जो स्नेक होता है ये मुंह से थोड़ा पतला होता है।
लेकिन ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको यहाँ रिलीज कर रहा हूँ इस फॉरेस्ट एरिया में, और ये अपने बाकी की जो ज़िंदगी है आसानी से यहाँ गुजार सकता है।